अहिड़ा सरकार, इन्नी निकम्मा सरकार, अपाहिज सरकार, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसको क्या कहा जाए, नहीं अपने उसको बीबी है ना बच्चा है, दूसरे का बीबी का क्या दर्द बुझेगा। जो 17 साल से हम लोग काम करते करते थक गए, लेकिन अपाहिज निकम्मा सरकार, ऐसा सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा सरकार को उतार फेंको, उतार फेंको, उतार फेंको। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री आसाबान का एकता सुनना होगा, सुनना होगा, सुनना होगा। 17 साल से काम कर रहे हैं, देखना होगा, देखना, देखना होगा, देखना होगा। आशा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1000 में दम नहीं, 1000 से कम नहीं। आधी रोटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरी रोटी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। हमसे जो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आशा कार्यकर्ता का कान खोलो, कान खोलो, तैयार है। जाएंगे, लाठी खाएंगे, लाठी मारेंगे, लेकिन नहीं तोड़ेंगे हड़ताल। हक मांगता है, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं कि 2 गाड़ी आए, 100 गाड़ी आए, हम लोग पीछे हट जाएंगे। 500 गाड़ी हम लोग हटने वाले नहीं है। क्या वो सरकार उसको वेतन नहीं देती है? हम लोग का नहीं चाहिए। हम लोग अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते हैं, मेहनत का हक मांगते हैं। एक झाड़ू लगाने वाले को 12-15 हजार रुपया सरकार देती है, फिर बिहार की आशा को क्यों नहीं देगा 10 हजार रुपया? मोदी सरकार का फ्री में गैस जलाइए, चूल्हा लीजिए, सब आशा बांध लिया, अभी 4 चौगुना बढ़ा दिया, 4 चौगुना बढ़ा दिया। मुट्ठी से देना पड़ा 1250 रुपया। क्यों? हर चीज का महंगाई हो गया है, हम लोग का पेट नहीं भरता है, काम भी बढ़ गया है। और इसमें लालू नीतीश के राज में बहाली भनी है मोदी जी, बहाली भनी है मोदी जी। अरे काम कोई नहीं, मेहनत आवा कोई नहीं, वेतन ना मिला ले मोदी जी। अरे काम आवा कोई नहीं, मेहनत आवा कोई नहीं, वेतन ना मिला ले मोदी जी। लालू नीतीश के राज में बहाली भनी है मोदी, चाचा के जांच करेला स्वास्थ्य केंद्र पर गई तो नौ कॉले मोदी के आँख से हो आशा दीदी, तो नौ के मोदी के आँख से हो आशा। कोरोना वाला क्या, हम लोग जब वोटिंग जो खड़ा थे, हम लोग लॉकडाउन के बाद वोट हुआ था, उस समय का हम लोग का तो सरकार पैसा नहीं दी। हम इसमें कोरोना में ये प्रोसित हो जाएंगे, लेकिन हम लोग अपने बाल बच्चा को निछावर करके, अपने जान प्राण को निछावर करके, उनका एक एक पेशेंट को हम लोगों ने टीका दिया। नीतीश सरकार में जो छोटे स्तर के पदाधिकारी होते हैं, उसे बैल के तरह जोता जाता है, एकदम। और उसको कोई कोई इस बार ऐसा नहीं चलेगा भैया। इस बार होना क्या है, 1000 आबादी पर एक आशा है। अभी जो हम लोग 90 हजार जो देख रहे हैं, उस 90 हजार के पीछे 1000 है। और अगर 1000 हम नहीं मानते, अगर 100 को आदमी को अभी मुट्ठी में रखेंगे, तो समझ लीजिए कि नीतीश कहाँ जाएगा। इसीलिए इस बार उनको चुनौती स्वीकार करना पड़ेगा। और देख लीजिए 12 तारीख से अभी तक कोई हॉस्पिटल में एको को ऑपरेशन नहीं हुआ है, नहीं कहीं के काम करता तब ना तो चाय बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, चटपटी बेचने वाला तो गद्दी पर बैठा है, तो उसको समझ आएगा क्या? जितना दोगला है, जितना दोगलपन करता है, वही तो गद्दी पर बैठता है। उसको फिर से चाय बेचना पड़ेगा। अगर वो चाय बेच रहा था, अगर वो चाय बेच रहा था, तो फिर से उसको चाय बेचने पर लाना पड़ा। समझना चाहिए कि हम चाय बेच कितने आगे बढ़े, इतनी मेहनत।
कर रहे हैं, तो हम लोग को भी आगे बढ़ाया जाए ना। कहना बिल्कुल उचित, वो तो किसी के तकलीफ समझ सकते हैं। काम कर रहे हैं, यदि 17 साल में 10 साल फ्री में खटवा देते, 7 साल के बाद सरकार हम लोग का वेतन दे देते, तो आज ये उन लोग का सुनना नहीं पड़ता। ये हम लोग गली गली में 3 महिला को लांगा करके पीटा, उस समय कहाँ गया था मोदी सरकार, कहाँ गया था? उसका बेटी बुनाई थी तीनों, ये उसका पति पूरा सरहद में उसका सारा दुनिया का अति बॉर्डर पर उसका अति कर रहा है, रक्षा का उसकी बीवी को लांगा नाच नचवाया, उसका उस समय कहाँ था उसका बेटी? अरे मासिक मानदेय देना होगा, अरे रिटायरमेंट बेनिफिट देना होगा, अरे रिटायरमेंट बेनिफिट देना होगा, रिटायर्ड आशाओं को पेंशन देना होगा, अरे रिटायर्ड आशाओं को पेंशन देना होगा। आशा आंदोलन जिंदाबाद, आशा आंदोलन जिंदाबाद।